कमर्शियल सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, जीवन में गुड हेल्थ के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके जीवन के बहुत सारे सपनों को सच कर सकता है, आपके बहुत सारे माइलस्टोन्स जीवन के आप अच्छे से मीट कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं, स्वयं के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ग्रोथ होता कैसे है? जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि एक फॉर्मूला, 4 पॉइंट फॉर्मूला आपको अपने जीवन में जरूर याद रखना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? अर्न, सेव, इन्वेस्ट, ग्रो रिच। एक अच्छे करियर जहां कि आप अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, और जैसा मैंने पहले के वीडियोस बताया है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कि आप जब सेव करते हैं तो सेविंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, और इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है टू ग्रो रिच। नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वह इन्फ्लेशन रेट को हमेशा बीट करना चाहिए, तभी द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी, आपके पैसे की क्रय शक्ति लगातार बढ़ेगी। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में यह बात आती है कि कहां इन्वेस्ट करें कि बहुत अच्छा रिटर्न मिले। सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है, जी हाँ, वह है शेयर मार्केट। क्योंकि आप देखते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत अमीर हो गए कुछ लोग। शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां के लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया और खाली हाथ लौट आए। They are on the roads now. ऐसा कैसे होता है? पहली बात तो ऐसे वीडियोस को अवॉइड करो जो आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहे होते हैं, कि फला स्टॉक्स मल्टीबैगर्स हो जाएंगे, मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, कैसे कमा लिए। कुछ बातें सच हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे वीडियोस को मैं स्कैम मानता हूं, क्योंकि लोग किसी शेयर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि लोगों को गुमराह करने वाली है, लेकिन कुछ वीडियोस इनमें अच्छे भी हो सकते हैं। तो जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या यह सही नहीं होगा कि हम शेयर मार्केट में 7 डिकेड से भी ज्यादा इन्वेस्ट लगातार करके और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हुए वॉरेन बुफेट के फॉर्मूला को समझें। वॉरेन बुफेट के फॉर्मूला को समझने के लिए उनके 2 कोटेशंस को जानना बहुत जरूरी है, उसके मतलब को जानना, उसके मर्म को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कोटेशन की, जहां वह बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। क्या मतलब है इसका? स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां की इम्पेशेंट लोगों से, जिनके पास धैर्य नहीं है, इम्पेशेंट लोगों से पैसा ट्रांसफर होता है पेशेंट लोगों की तरफ जिनको धैर्य है। इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में धैर्यवान, पेशेंट होना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए हम वॉरेन बुफेट के दूसरे कोटेशन को समझें, जहां वह बोलते हैं, Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. मतलब जब दूसरे लोग लालच कर रहे हों, लालची दिख रहे हों, उस समय आपको डर लगना चाहिए, और जब दूसरों को डर लग रहा है तब आपके लिए एक अच्छा मौका है। मार्केट में स्पेकुलेटर्स हमेशा पैसे लूज करते हैं और मार्केट में इन्वेस्टर्स हमेशा गेन करते हैं। अब चलो पहले समझें स्पेकुलेटर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है। पहले बात करते हैं स्पेकुलेटर्स की। स्पेकुलेटर्स वो लोग होते हैं जो देखा देखी में, दूसरों के सुने हुए में, अंदाजे से पैसा लगाते हैं। फला शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम भी खरीद लो। भैया कौन सा शेयर खरीद लूं? फ्रेंड कौन सा शेयर खरीद लूं? किसी वीडियो से देखकर खरीद लिया। ये गलतियां करते हैं देखा देखी। दूसरी गलती क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाते हैं पैसा बनाकर। कभी कभी, अधिकतर बार ये पैसे लूज करते हैं। कई बार ये कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, एक आध हफ्ते के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2-3 महीने के लिए ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा। ऐसे लोग
देखा देखी ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में शेयर के ऊपर पैसा नहीं लगाते। उनका सोचना होता है कि मैं इस कंपनी में भागीदारी खरीद रहा हूं, आई एम गोइंग टू बी पार्ट ओनर ऑफ दिस बिजनेस। वो शेयर को तो एक प्राइस समझते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस वैल्यू पर पैसा लगाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस, दिस कंपनी। वो कंपनी के बारे में इतनी बातें जानना चाहते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में है, उस सेक्टर के बिजनेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या है, मार्केट कैसा है। सबसे ज्यादा वो जिस बात पे जोर देते हैं, वो जोर देते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स क्या है। सबसे बड़ा एसेट कि इनके मैनेजमेंट में लोग कैसे हैं, इस कंपनी को चलाने वाले लीडर्स कैसे हैं, इस कंपनी के पास क्या क्या पेटेंट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आ रही है। ऐसी कई बातों पर बहुत ध्यान से वो समझते हैं और बिजनेस वैल्यू को वो असेस करते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं एक फॉर्मूला के तहत। और जब उनको ये भरोसा हो जाता है कि जो वैल्यू है बिजनेस का वह फ्यूचर में बढ़ेगा, तो वो शेयर प्राइस नहीं देखते, वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस बिजनेस का वॉल्यूम, इस बिजनेस का वैल्यू बढ़ने वाला है, कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत मुनाफा होगा। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। यहाँ पर फिर मैं वॉरेन बफेट की एक बात बताऊंगा, जहां किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर सजेस्टेड टाइम टू रिमेन इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस। एक बिजनेस में कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जानते हैं वॉरेन बफेट ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू रिमेन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर एवर। मतलब मैं एक अच्छे बिजनेस में हमेशा के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहता हूं, क्योंकि वो और उनकी टीम बहुत रिसर्च करने के बाद, बिजनेस वैल्यू को असेस करने के बाद, कंपनी के एसेट्स को समझने के बाद जब इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये मालूम होता है कि बिजनेस बहुत अच्छा करेगा और ऐसे बिजनेस में हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग तो तनख्वाह पाएंगे, सैलरी पाएंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुनाफे में से हिस्सा मिलेगा। अगर बिजनेस अच्छा है, बिजनेस वैल्यू अच्छा है, तो हमेशा मुनाफा कमाएगी कंपनी और आपको हमेशा मुनाफा मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छी बातें बताऊंगा, कैसे किस फॉर्मूले के तहत आप भी एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैं सीमेंट, स्टील, बैंकिंग एंड सोलर एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऐसी जगहों पे जो कि फ्यूचर रेडी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी बना रही हैं, ऐसी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन सेक्टर्स को मैं बहुत बढ़िया समझता हूँ। ऐसी जगहों में मैं देखा देखी कभी पैसे नहीं लगाता, जहाँ मैं पैसे लुटा दूं। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कभी सब्सक्राइब करो। हाँ, और बेल आइकन दबाना। यह जरूर मुझे लिख कर बताना कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आप किन बातों पर वीडियोस देखना चाहते हैं और कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके करियर में, आपके गुड हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप हैंडलिंग में, सो दैट आई कैन हेल्प यू become more successful in your personal and professional life. Thank you for watching. All the best.